एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। देखिए करा क्वेश्चन 4 में, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। मीना जो है 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई और उसने कहा कि मुझे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट चाहिए। तो उसे जो खजानसानी मैनेजर जो थे उसे जो है कुल मिलाकर 25 नोट दिए। ठीक है, तो हमको ये ज्ञात करना है कि 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किया। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं। तो पहले मान लेते हैं, तो माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या x मानते हैं, ठीक है, तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या इस कॉमा का मतलब वही जो ऊपर लिखा हुआ सेम है, ठीक है ना। तो नोटों की संख्या कितना, 2। एक को हम 50 x मान लेते हैं, एक को हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस प्रश्नानुसार कहा गया कि देखिए एक्स माने हैं तो कितना रुपया है, 50, तो 50x प्लस कितना, 100 बाई, और कुल कितना 2000 है ना, कुल कितना निकाल देता है 2000, इसको समीकरण एक मान लेता है, ठीक है। अब देखिए इसको हम छोटा करते हैं, इतना ज़्यादा बड़ा रहा हो जाता है, इसको छोटा करते हैं। इसमें से कॉमन लेना, क्या कॉमन आपको जा रहा है, देखिए तो 50 कॉमन आ रहा है नज़र, तो 50 कॉमन ले आएगा, इससे से अगर 50 निकलता है एक से बचेगा, इससे निकलेंगे तो 2y बचेगा, ठीक है, बराबर 2000। अभी 50 से डिवाइड करेंगे इसके, है ना, तो कट जाएगा, तो आपका कितना x प्लस 2y बराबर 40, तो इस समय कहने एक है ना। चलिए दूसरी स्थिति में पुनः करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दूसरी स्थिति में x प्लस y बराबर 25, क्यों, क्योंकि देखिए कुल नोट कितना प्राप्त किए थे, 25 नोट प्राप्त किए थे ना, तो एक था x, एक था y, तो दोनों नोट मिला गया कितना 25, ठीक है। तो समीकरण एक को अब देखिए, समीकरण एक को समीकरण दो से घटाने पर, समीकरण एक जो है उसको हम दो से घटाएंगे, यानी दो से घटाएंगे, तो दो से घटाने का मतलब क्या, दो ऊपर रहेगा और एक नीचे, तो समीकरण दो कितना है, एक्स प्लस बाई बराबर 25, और एक्स प्लस समीकरण एक है एक्स प्लस 2y बराबर 40, घटाते हैं तो ये प्लस, इसलिए माइनस, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस, तो एक से क्या करें, घटाएंगे, ये आपका क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है ना, ये जो है आपका एक्स और एक से क्या होगा, कट जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है ना, और इसमें से 2y में से 2y घटाएंगे तो कितना माइनस 2y, और इसको घटाएंगे तो कितना माइनस 15, या करेंगे तो यहाँ माइनस 2y और माइनस 15 आ गया, या 2y बराबर निकालेंगे तो 15 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस ये जो है माइनस और माइनस क्या होगा, कट जाएगा, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 15। चलिए अब देखिए जो हमको 2y का मान प्राप्त होता है, 2y का मान समीकरण एक में रखना है, 2y का मान जो प्राप्त है उसको समीकरण हम किस में रखें, एक में। समीकरण एक कितना है, एक्स प्लस 2y है, तो एक्स प्लस 2y बराबर 40, या करते हैं एक्स प्लस 2 अगुना 2y का मान कितना निकल के आया था 15, तो 15 बराबर कितना 40, या करते हैं तो x प्लस 30, क्योंकि इसको कहें तो 15 में कितना होगा 30 बराबर 40, या करते हैं x बराबर तो कितना x बराबर निकालेंगे तो प्लस मिला हो जाएगा माइनस 40 माइनस 30, x बराबर आपका हो जाएगा 10। तो इसलिए अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या किसको मानते हैं, एक तो x बराबर निकल के आ गया 10, तो 10 हो गया, और 100 रुपये के नोटों की संख्या इसको मानते हैं 2y को, तो 2y निकल के 15, तो यही हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से आपका हो गया है ना क्वेश्चन नंबर 4। आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं, YouTube का ये है, आप इस पर सर्च कीजिएगा है ना, SMV शिशु मेरा विद्यालय, तो आपका इस पर आ जाएगा।